हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज इट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्या है जस्टिस पार्टी इस लेक्चर में हम जानेंगे जस्टिस पार्टी क्या थी और ये क्यों फॉर्म हुई थी साथ ही हम जानेंगे जस्टिस पार्टी की अचीवमेंट्स और इसकी ड्रॉबैक्स तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्या है जस्टिस पार्टी जस्टिस पार्टी के फॉर्मेशन का मेन रीजन था ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण कंफ्लिक्ट जस्टिस पार्टी को ऑफिशियली साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन के नाम से जाना जाता था और ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो ब्रिटिश इंडिया की मद्रास मद्रासिडेंसी में फॉर्म की गई थी ट्वेंटी सेंचुरी की स्टार्टिंग में नॉन ब्राह्मण ने भी अपने राइट्स क्वेश्चन करने स्टार्ट किए साथ ही उन्होंने क्वेश्चन किया डोमिनेंस ऑफ ईच एंड एवरी ब्राह्मेयर नॉन ब्राह्म की इन्हीं डिमांड्स को रेज करने के लिए डॉक्टर नतिसा मुदलायर ने फॉर्म की जस्टिस पार्टी इन नवंबर 201916। इस पार्टी के को फाउंडर्स थे टी एम नायर पी त्यागराजा चेट्टी एंड अलामेलू मंगाई जस्टिस पार्टी की फॉर्मेशन को बिगिनिंग ऑफ द्राविडियन मोमेंट भी माना जाता है साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने पब्लिश किया इंग्लिश न्यूजपेपर जस्टिस और इस न्यूज़पेपर की पॉपुलैरिटी के बाद इस सोसाइटी को जस्टिस पार्टी के नाम से जाना जाने लगा जस्टिस पार्टी ने 1921 में फर्स्ट टाइम सिलेक्शन में पार्ट लिया और इसी के बेसिस फर्स्ट टाइम 1921 में इंडियन कैबिनेट फॉर्म हुई इन मद्रास प्रेसिडेंसी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि एक मेजर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी इस समय इंडिया में वो भी डोमिनेटेड थी बाय द ब्राह्मिंस वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुए और इस्टेबलिशमेंट ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस हुए इसी के कारण नॉन ब्राह्मनिकल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक डिज़ायर उत्पन्न हुई जस्टिस पार्टी के एफर्ट्स के कारण ही नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी सीट्स रिजर्व की गई इन द इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल जस्टिस पार्टी ने फर्स्ट टाइम मेजॉरिटी जीती इन द फर्स्ट इलेक्शन अंडर द आर्ची इन 1920 जिसकी वजह से ए शुब्बाइलू चीफ मिनिस्टर बनाए गए और उनकी डेथ के बाद राजा ऑफ पनागल चीफ मिनिस्टर ऑफ मैड्रॉस बने इन 1921। यहाँ पे ये फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट था कि कांग्रेस ने इन इलेक्शंस का बॉयकॉट किया था ड्यू टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आइए अब जानते हैं जस्टिस पार्टी के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था एजुकेशनल सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एडवांसमेंट सभी कम्युनिटीज का इन साउथ इंडिया अदर देन ब्राह्मस सेकेंड ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट ऑफ नॉन ब्राह्म थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थर्ड ऑब्जेक्टिव था एक ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को सेटअप करना और फोर्थ ऑब्जेक्टिव था पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करना इन सपोर्ट ऑफ नॉन ब्राह्मिन डिमांड्स आइए अब देखते हैं जस्टिस पार्टी की क्या कंट्रीब्यूशन रही जस्टिस पार्टी की सबसे बड़ी अचीवमेंट रही कि ये 1921 से 1937 तक पावर में रही जस्टिस पार्टी ने एक नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो रिलीज किया था इन दिसंबर 1916 और यही मैनिफेस्टो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बना फॉर द राइज ऑफ द्राविदय मूवमेंट जस्टिस पार्टी जब पावर में रही तब को वोटिंग राइट्स दिए गए और नून मील स्कीम भी इंट्रोड्यूस की गई जस्टिस पार्टी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया इन अलाउविंग विमेन टू कंटेस्ट इलेक्शंस और इसी की वजह से डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर बन पाई इंडिया की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर ऑफ इंडिया कौन थी तो वो है डॉक्टर मथु लक्ष्मी रेड्डी ऑफ जस्टिस पार्टी डॉक्टर मथु लक्ष्मी रेड्डी के एफर्ट्स के कारण ही देवदासी सिस्टम का एबॉलिशन हो पाया जब जस्टिस पार्टी पावर में थी जस्टिस पार्टी ने कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया जिसने एंश्योर किया नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जस्टिस पार्टी ने रिमूव करी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट शूड्स एंड पंचमास इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड रेस्टोरेंट्स एंड पब्लिक वेल्स ये जस्टिस पार्टी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जस्टिस पार्टी ने टेम्पल लॉज को रेगुलेट किया थ्रू हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट बोर्ड इन्होंने पंचमास को भी लैंड प्रोवाइड किए जिन्हें पंचमी लैंड कहा गया इसी के साथ जस्टिस पार्टी ने एजुकेशन प्रोवाइड की फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस और इन्होंने ही फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था एक्सपेरिमेंट ऑफ नून मील स्कीम इन फ्यू स्कूल्स इस समय मेडिकल एजुकेशन के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी में नॉलेज ऑफ संस्कृत भी मानी जाती थी जस्टिस पार्टी ने इस कंडीशन को रिमूव किया ताकि नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट भी मेडिकल एजुकेशन में एंटर कर पाए जस्टिस पार्टी के ही काल में अन्नामलाई और आंध्रा यूनिवर्सिटीज को स्टार्ट किया गया इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि जस्टिस पार्टी ने वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल गवर्नमेंट प्रोवाइड की ड्यूरिंग द ब्रिटिश रजीम यहाँ पे एक फैक्ट जान लें कि जस्टिस पार्टी ने दो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर्स पास किए थे फर्स्ट कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया गया था इन सितंबर 1921 और सेकंड था ऑन फिफ्टीन अगस्त 1922 और इन गवर्नमेंट ऑर्डर से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉइंटमेंट अमंग वेरियस कास्ट एंड कम्युनिटीज किया गया था 1924 में जस्टिस पार्टी ने स्टेब्लिश किया था स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जस्टिस पार्टी के इसी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के पैटर्न को गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया ने भी अडॉप्ट करते हुए पब्लिक सर्विस कमीशन 1929 में सेटअप किया आइए अब समझते हैं जस्टिस पार्टी क्यों डिक्लाइन कर गई 1930 के पीरियड में जस्टिस पार्टी धीरे धीरे डिक्लाइन कर गई इसका मेन रीज़न था जस्टिस पार्टी ने डिप्रेस्ड ऑफ माइनॉरिटी पॉपुलेशन का सपोर्ट खो दिया था सेकेंड रीज़न था पेरियार का सेल्फ रिस्पेक्ट मोमेंट जो कि बहुत रेडिकल हो चुका था एट द सेम टाइम जस्टिस पार्टी का पॉलिटिकल स्टांस प्रो ब्रिटिश दिखाई देने लगता था नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न था पेरियार का रिफ्यूज़ कर देना इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में एंट्रेंस और गांधी जी की एट द सेम टाइम पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और इसी कारण से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मद्रास प्रसिडेंशी इलेक्शंस में 1937 में जीत हासिल की और सी राजगोपाल वहां के चीफ मिनिस्टर बनाए गए पेरियार ने जस्टिस पार्टी को कन्वर्ट किया एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जिसका नाम था द्राविदर खाजगम और इसी के बाद जस्टिस पार्टी को इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से विड्रॉ कर दिया गया इन नाइनटीन तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग जस्टिस पार्टी जिसके ऊपर मटेरियल बहुत रेयरली कहीं मिलता है अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ की हम फ्री पी और फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं